कैसे हैं आप? उम्मीद होगी सब खैर खैर से होंगे। जैसे कि आपने ट्रेलर देख लिया होगा कि आज किस पर बात होने लगी। हाँ जी, आज हम लोग बाबू सर टॉप की बात करने जा रहे हैं। सब लोग इंतजार में हैं कि वो कब ओपन होगा, कब क्लियर होगा और कब ये हसीन मनाजिर देखने जाएंगे। मैं खुद बहुत इंतजार में हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ का प्लान बना रही हूँ कि कब रास्ते क्लियर होंगे और कब मैं भी यहाँ जा सकूँगी। और मैंने बहुत सी मालूमात वहाँ से ली हैं और वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखें कितने हसीन मनाजिर हैं और यहाँ जाने के लिए सब बेताब है। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ कि कब रास्ते क्लियर होंगे और कब मैं यहाँ पर जा सकती हूँ। और ये देखिए कितनी स्नो पड़ी हुई है और हर किसी का दिल चाहता है इतने खूबसूरत मनाजिर देखने को। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि नरान से बाबूसर टॉप जाते हुए 7 ग्लेशियर आते हैं। उनमें से माशाल्लाह उन्होंने 6 ग्लेशियर क्लियर कर दिए हैं और बाटा कुंडी तक उन्होंने सारे रास्ते क्लियर कर दिए। आगे जो छोटे छोटे ग्लेशियर आते हैं वो भी उन्होंने क्लियर कर दिए। ये देखें ये सारे ग्लेशियर उन्होंने जाते हुए क्लियर कर दिए। अब ये एक ग्लेशियर है, इसको कहते हैं ब्लू ग्लेशियर। इस पे दिन रात काम हो रहा है और ये इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह 10 दिन और लगेंगे और ये भी क्लियर कर देंगे और हम आराम से बाबूसर टॉप जा सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि ईद से पहले पहले ये ग्लेशियर क्लियर हो जाएगा और बाबूसर टॉप का रास्ता भी खुल जाएगा। तो ये मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन है। जो इस वक्त करंट हालात जा रहे हैं मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो आप इन हालात के साथ अपना प्रोग्राम लें और मैं भी इन्हीं के साथ अपना प्रोग्राम बना रही हूँ कि जैसे ही रास्ते ओपन होते हैं और मैं भी प्रोग्राम बना के वहाँ चली जाऊँगी। तो उम्मीद होगी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।